हाइड्रोलिक फिल्टर हो गया, ओनली क्लीन होता है ये, साफ कर साफ किया जाता है, मतलब ये बदला ना जाता? नहीं नहीं बदला नहीं जाता, ये साफ होता है। तो कंपनी ये चीज तो काफी बढ़िया दे रखी है, इसको चेंज कराने की आपको जरूरत। और जो कर मैं ये फिल्टर देख रहा हूँ, कंपनी और ट्रैक्टर में तो ना देख रही थी इसने? और ट्रैक्टरों में छोटा फिल्टर होता है, वो जल्दी चेंज होता है। क्या आ रही है साउंड है, बढ़िया साउंड रखिए भाई, एक नंबर की साउंड है भाई, मतलब साउंड का। तो राम राम जी, सो रहा भाई, एनडीआर वर्ल्ड ब्लॉग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है भाई। उम्मीद करते सारे लोग बढ़िया होंगे। तो भाई आज की जो वीडियो है वह वीडियो काफ़ी खास होने वाली है। तो कर भाई एक बढ़िया ट्रैक्टर है और काफ़ी बढ़िया ट्रैक्टर के बारे में भाई थोड़ी बहुत रिव्यू बताएंगे और भाई उस ट्रैक्टर के बारे में जानकारी देंगे। भाई नवा ट्रैक्टर है और आपने भाई बताते हैं ट्रैक्टर किस आया। अगर भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल ने सब्सक्राइब कर देना। बाकी भाई मिलते हैं वीडियो में। तो यो है भाई आयसर कंपनी का 551 एक दमदार ट्रैक्टर है भाई। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं भाई, इसका जो भाई ट्रैक्टर है काफ़ी कंपनी ने बढ़िया दे रखा है और इसमें भाई क्या खासियत है, क्या क्या खामियां है, ये चीज़ हम आपने बताएंगे। लेकिन भाई सबसे पहले टायर का शुरुआत करते हैं भाई। इसका जो फ्रंट वाला टायर होगा वह है 750/16 का और बैक वाला टायर है वह भाई 1400/928 का। इसमें भाई कंपनी ने दो ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें भाई अपने 1600/928 के भी टायर के वो दे रखे हैं ऑप्शन भाई। तो भाई पहले हम इसके इंजन के बारे में बात करते हैं। पहले भाई कंपनी ने ये काफ़ी लोग उभरा हुआ लोग दे रखा है और भाई ब्रांडिंग भी काफ़ी दे रखी है इसकी और 5-स्टार ट्रैक्टर है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ मैं भाई, ये 3 सिलेंडर में आवा है ट्रैक्टर और बॉस कंपनी की इनलाइन पंप है यार और काफ़ी बढ़िया दे रखा है भाई। जो इंजन की सीसी है वह 3300 cc और 50 HP में आवा है। 50 HP में भाई 3300 cc मतलब और ट्रैक्टर ना आ सकते, लेकिन इस कंपनी ने दे रखा है। और मैं आपने एक चीज़ बता दूं भाई, एक यो चीज़ है जो डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग है भाई, काफ़ी बढ़िया दे रखा है कंपनी ने। जो कर भाई और ट्रैक्टर में डुअल एक्टिंग आवा है, लेकिन और ट्रैक्टर में नीचे आवा है तो इसमें कोई भी चीज़ लगने का खतरा रहा है, जब तक मेंटेनेंस भी फिर ज़्यादा आवा है। लेकिन कंपनी ने इस कंपनी ने पहले ही सोच समझ कर भाई वो चीज़ दे रखी है, कंपनी ने पहले ही ऊपर दे रखा है जिसमें कोई भी चीज़ टकराएगी ना भाई। तो वो चीज़ मैं और आपने दिखा दूँ भाई, इसकी जो क्लिच है वह क्लिच में भाई सबसे बढ़िया बात मैंने यूँ लगी, तो अगर भाई गियर में ट्रैक्टर हो ना तो भाई जब तक क्लिच ना दबोगे समय तो यह ट्रैक्टर स्टार्ट कोने हो गए है। और मैं चीज़ आपने दिखा दूँ भाई, इसकी जो PTO है वह 540 RPM की PTO है भाई, 540 चक्कर आए समय और मतलब गियर PTO भी है समय। जैसे अगर भाई वो रहा है रिवर्स PTO तो वह चीज़ है, पहले आपने ऊपर तो दिखा दूँ हल्का बहुत। तो भाई यो कंपनी ने दे रखा है, इसमें भाई हाई लो गियर यो हो गया अपना और मैन गियर अपना यो हो गया भाई, काफ़ी बढ़िया है। तो अपना मैं दिखाऊँ भाई, यो ट्रैक्टर है कंपनी ने काफ़ी बढ़िया बना रखा है। यो अपना डैशबोर्ड हो गया, इसमें भाई डिजिटल मीटर है यार और काफ़ी सारे मीटर दे रखे हैं कंपनी ने भाई, जिसमें एक टेम्परेचर मीटर हो गया, बैटरी मीटर हो गया और प्रेशर मीटर हो गया, हाइड्रोलिक प्रेशर भाई, और यो हो गया अपना मतलब यो हो गया भाई अपना और टंकी वाला मीटर, यो अपना मतलब टेम्परेचर मीटर या बैटरी वाला, और यो हो गया प्रेशर मीटर भाई ऑयल प्रेशर, और इसमें भाई डिजिटल मीटर आया। तो भाई एक कंपनी ने यो दे रखी है मतलब हैंड रेसा भाई, और यो जो देखो भाई तो पहला गियर दे रखा है, पहला दूसरा और तीसरा चौथा और रिवर्स। तो भाई कंपनी ने देखो यो है डिजिटल मतलब बाल भी दे रखे हैं कंपनी ने, मतलब लीवर आया हाइड्रोलिक लीवर जिस तरह लिफ्ट काम करा है, और बाकी भाई ऊपर से देखने में काफ़ी बढ़िया लग रखा है ट्रैक्टर, काफ़ी स्पेस भी काफ़ी बतेरा दे रखा है, जैसे कितने में भी पैर आगे बढ़ा लो इनमें दिक्कत वाली बात कौन है। और यो भाई अपना जो पार्किंग स्विच हो गया या हॉर्न वाला स्विच हो गया, और यो अपना चाबी वाला, और यो अपना इंडिकेटर वाला हो गया या पार्किंग होगी। और इसमें कंपनी ने भाई यो चीज़ दे रखी है, जैसे मोबाइल चार्जर आपने किमें और जाने की जरूरत कौन है, सिर्फ यो डाटा केबल लगानी है आपने, जब जो देख रखे लाइट वेला रखी है कभी प्यारी सी लाइट है भाई, तो फोन उसमें अंदर बैठे तो बढ़ा लो उसमें मैं बढ़िया रहा है। बाकी मैं अपना नीचे दिखा दूँ भाई, तो यो भाई इसका इंडिकेटर हो गया और डुअल क्लिच में दे रखा है कंपनी ने, और वहाँ पर साइड दिखा दूँ भाई,
यो हैवी सा मतलब बम्पर दे रखा कंपनी ने, यो काफी बढ़िया दे रखा भाई, अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग इसमें और वेट भी लटका सको। मैं यो इतना हैवी दे रखा, कोई भी इम्प्लीमेंट लगा दो भाई सहज ना उठेगा यो। और मैं अपने यो चीज दिखाऊं भाई साइड तक, जो कर भाई और कोई कंपनी इस चीज ने ना दे करती इस चीज ने भाई, यो प्रेशर बार आउटलाइन पे यो फिल्टर दे रखा, और कोई कंपनी यो चीज ना दे सकती और देती भी कोने है। और इसमें भाई डबल एक्टिंग यो अपना हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक पंप हो गया, और यो हो गया अपना प्रेशर प्रेशर वाला भाई स्टीयरिंग का। और यो है भाई कंपनी ने देखो यो पैरदान तो फ्लैट दे रखे, लेकिन हल्का बहुत वो दे रखा है कंपनी ने, यो चीज़ कंपनी ने गलत दे रखी है, जो फ्लैट करना चाहिए था। जो अगर आजकल ट्रेंड चल रहा है फ्लैट पैरदान का भाई, तो इस चीज़ को भाई अपना ख्याल रखना है, इसी मतलब कंपनी को इस चीज़ के बारे में सुधार करना चाहिए। और यो अपना भाई हैंड ब्रेक हो गया, जोकर पैडल नीचे दबा दो और फिर इसने ऊपर कर दो तो ब्रेक लग जाएगी, जोकर अब लाग रही है। और देखो भाई यो दे रखा कंपनी ने काफ़ी बढ़िया हैवी सिस्टम दे रखा, जोकर कंपनी काफ़ी बढ़िया चल रहा है। इसकी जो मेंटेनेंस खर्चा होगा ना इस ट्रैक्टर का भाई काफ़ी कम रहा होगा, तो यो चीज़ें काफ़ी बढ़िया दे रखी है। और इसमें भाई कंपनी ने टूल बॉक्स भी दे रखा है, और अब पावर स्टीयरिंग की अब ब्रांडिंग भी दे रखी है, और साइलेंसर पर भाई का भी सेफ्टी का ध्यान रखा गया है। जो अगर भाई खेत में घूमना कोई में काम करते करते ये चीज़ जलने का सिस्टम रहता है, अगर जलेगा ना भाई, ये चीज़ काफ़ी बढ़िया दे रखी है कंपनी ने। और आयसर कंपनी की यो ब्रांडिंग दे रखी है बैटरी पे भाई, मतलब काफ़ी बढ़िया सिस्टम दे रखा है। और भाई हर चीज़ में ना और ट्रैक्टर में यो जो फिल्टर आवा है, जो फिल्टर भाई कड़े कदे नीचे आवा है कहीं मैं ऊपर भी आवा है, लेकिन भाई इस कंपनी ने यो फिल्टर ऊपर ही दे रखा है, यो बढ़िया है, मतलब नीचे सम कभी धूल वूल में होने का काम को नहीं रहा है, सब बढ़िया है। यो ऑल्टरनेटर हो गया भाई, यो अपना ऑल्टरनेटर है। हाँ तो उस्ताद जी पहले सब तो पहले अपना नाम बता दो अपना। मेरा नाम दिनेश कुमार है। दिनेश कुमार, और जो एजेंसी है इसका एड्रेस कुछ बताना चाहो बताइए। बालाजी ट्रैक्टर। अच्छा जी, तो इस ट्रैक्टर में मतलब कंपनी ने क्या क्या खासियत दे रखी है उस चीज़ बारे में थोड़ा बहुत बता दो हमने। ट्रैक्टर में सर पहले तो ये आती है समस्या हर बार सर्विस पे चेंज कराने की। हाँ जी हाँ जी, हाइड्रोलिक फिल्टर। हाँ ठीक है, तो ये कंपनी में 1200 घंटे से लेके 1800 के बीच में आप चेंज करा सकते हैं, 1200 से 1800 के बीच में। उसके बाद ये एक और फिल्टर है इसमें। हाँ, ये हाइड्रोलिक फिल्टर, ये हाइड्रोलिक फिल्टर हो गया। ओनली क्लीन होता है ये, साफ किया जाता है, मतलब ये बदला ना जाता। नहीं, बदला नहीं जाता, ये साफ होता है। तो कंपनी ये चीज तो काफी बढ़िया दे रखी है, इसको चेंज कराने की आपको जरूरत। और जो कर मैं ये फिल्टर देख रहा हूँ कंपनी और ट्रैक्टर में तो ना दे करती इसे ना। और ट्रैक्टरों में छोटा फिल्टर होता है वो जल्दी चेंज होता है, और पंप होता है। अच्छा जी, तो मतलब इसका लगा हाँ ये काफी सेफ्टी दे रखी है कंपनी, कस्टमर तक कोई जलने मलने की शिकायत ना रहेगी। हाँ जी हाँ जी, तो बाकी इसके गियर बॉक्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दो हमें, ये कैसे सिस्टम रहा है इसका। इस गियर बॉक्स को आप साइड शिफ्ट गियर बॉक्स नहीं कहेंगे, ये सेंटर शिफ्ट गियर बॉक्स है। अच्छा, किसान की सुविधा के लिए ये सेंटर शिफ्ट गियर कर, सॉरी साइड शिफ्ट गियर कर, साइड शिफ्ट गियर कर रखा है, क्योंकि सेंटर साइड शिफ्ट गियर होता है, यहाँ से ये साइड में देख ले काटते हैं। हाँ जी हाँ जी, कंप्लेंट ज्यादा रहे। हाँ वो मैंने सुना रखी है, और किसी मिस्त्री द्वारा ने भी वो बता रखी थी। हाँ, सेंटर गियर बढ़िया रहे वह, यहाँ पर वो होता है वो कट जाती है, फिर अंदर की कटती है। हाँ जी, अब यहाँ पे कोई कटने की कोई दिक्कत है बस इस समय, तो बस ये लीवर साइड में कर रखी है, बाकी सारा कुछ सेंटर है समय। ऑयल निकालते हैं इसमें। अच्छा, आपको कभी ब्रेक कराने की जरूरत नहीं है। हाँ ऑयल वाले और दबते भी बढ़िया हैं इसमें, आप हल्का सा प्रेस करेंगे। हाँ तो काफी बढ़िया चीज दे रखी है। और इसके इंजन के बारे में आप थोड़ा बहुत बता रहे थे। इसका इंजन 3400 सीसी का इंजन आता है। अच्छा, 52 हॉर्स पावर कैटेगरी का। अच्छा, 50 का आपका इसको रजिस्ट्रेशन मिला, रजिस्ट्रेशन मिला है इसका। इसकी हाइट आपने बहुत सारे ट्रैक्टर देखे होंगे, इसकी इंजन की हाइट आपने इतनी कभी नहीं देखी ना, इतनी बड़ी ना होए करती। जो लाइनर पिस्टन है वो काफी लंबे हैं और उनकी ताकत, हाँ इस वजह से जब पिस्टन लंबे होंगे इसमें, मतलब पिस्टन ऊंचे बड़े होंगे तो जोर भी बढ़िया बनाएगा, फिर तो ज्यादा बनाएगा तो प्रेशर भी अच्छा बनाएगा।
इसमें 11 लीटर की सर्विस है, 11 लीटर कितना भी 50 घंटे 100 घंटे कभी एक्स्ट्रा चल जाता है कोई दिक्कत नहीं आती है। अच्छा 11 लीटर की इसकी सर्विस। अच्छा और बाकी जो परली साइड में पंप 108 एमएम का इसमें बोर है। कितना? 108 108 ये तो काफी बढ़िया दे रखा है। और कोई कंपनी ना दे करती इतना बड़ा, किसी कंपनी के ट्रैक्टर में नहीं मिला। और वो अभी 50 HP वाले ट्रैक्टर में कुम में और कोई ट्रैक्टर ना दे सकता। डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग मिलेगी आपको। हाँ इसमें सेफ्टी का ध्यान रखा गया है। और ट्रैक्टर में जो चीज नीचे आवे है तो इसमें कुछ चीज टकरा जाए तो दिक्कत आवे फिर समय। हाँ तो ये चीज कंपनी बढ़िया। तो बाकी आपने सुना होगा भाई ने काफी बढ़िया इन्फॉर्मेशन दी। और बाकी मैं आपके थोड़ा बहुत पीछे तो बता दूं भाई, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ रहे जो सुराज सोनालिका इस ट्रैक्टरा में यो चीज़ आवे है, जैसे यो चीज़ सॉफ्ट होगी मतलब हुच हो गया, आप जितना मर्जी के अकॉर्डिंग से ऊपर नीचे कर सको हो। तो कंपनी ने दे रखा है काफ़ी हैवी दे रखा है। अगर आपने हैवी ट्रोला भी जोड़ना है तो भाई बस ये हुक चेंज करना पड़ेगा, बाकी सारा कुछ सिस्टम सेम रखना कि मैं जरूरत ना है और कुछ चेंज करने की। बाकी ये सेंसिंग के लिए दे रखा है और इसमें भाई 3 होल दे रखे हैं, 1, 2, 3, जिसमें अपने जरूरत के अकॉर्डिंग इसमें आप अपना इम्प्लीमेंट लगा सकते हो। तो भाई इसमें जो लिफ्ट रहती है वह मीटा कंपनी की रहती है, जो कर भाई महंगे महंगे ट्रैक्टरों में दे जा है, और लेकिन इस ट्रैक्टरा में दे रखी है, मतलब जब कोई चीज़ महंगी और बढ़िया होगी तो भाई उसके पैसे भी ज़्यादा रहते हैं, तो इस वजह से ये चीज़ काफ़ी बढ़िया दे रखी है। और इसका भाई जो सीट रहती है अपने अकॉर्डिंग ऐसे ना एडजस्ट कर सको, काफ़ी बढ़िया है ये चीज़। तो भाई अब आपने ये चीज़ स्टार्ट करके दिखाते हैं और आपकी ना साउंड सुनाते हैं, तो देखेंगे भाई इस ट्रैक्टर की साउंड कैसी है, वो चीज़ भी हम आपने बताएंगे। इसको आप स्टार्ट करेंगे ना? हाँ जी। तो ये आपको कोई सी गियर में है? अच्छा जी। हाई में, लो में, या पहले में, दूसरे में, तीसरे में? गलत दबाएंगे, क्लिच दबाएंगे, फिर गलत दबाएंगे स्टार्ट हो जाएगा, आप छोड़ेंगे तुरंत चलने लगेगा। हाँ जी। उससे क्या होता है कि यहाँ से जब क्लच दबती है तो यहाँ से ये क्लच प्लेट पे से अपना ये इसका ट्रांसमिशन बंद हो जाए, पूरा बंद हो जावे है। तो इससे क्या है कि इंजन जल्दी स्टार्ट होता है, बैटरी की लाइफ ज्यादा रहती है, बैटरी की लाइफ बढ़िया रहोगी। फिर एक बार आप ना इसने स्टार्ट करके दिखा दे, पहले साउंड चेक करवा दे ट्रैक्टर की। हाँ जी, पहले हाफ क्लच दबाओ, हाफ क्लच पे स्टार्ट हो लिया भाई, देख सको भाई ट्रैक्टर की साउंड चेक करो आप, लाइट ऑन है सही। हाँ बंद होगी। तो भाई साउंड चेक करो हल्के से, आरपीएम बढ़ाने सके, आरपीएम बढ़ाओ, एक्सीलेटर और दो पैर पे ना, स्पीड दो, स्पीड इतनी। तो भाई साउंड तो पता क्या आ रही है भाई, साउंड बहुत तगड़ी है, बढ़िया साउंड दे रखी है भाई, पता ही एक नंबर की साउंड है भाई, मतलब साउंड काफ़ी बढ़िया है। बंद कर दो साथ। तो अब भी आपने साउंड चेक करी भाई, काफ़ी बढ़िया साउंड दे रखी है कंपनी के, कभी खेत में चल रहा होगा नहीं, प्यारी सी आवाज़ रहे है इसकी तो काफ़ी, और आवाज़ भी इतनी ज़्यादा कौन है, मतलब खेत में आप मतलब पड़ोस के खेत में चल रहे होगा, आपने न्यू बेरा होना फाटा का भाई ट्रैक्टर कौन सा चल रहा है, किस चल रहा है, तो इस चीज़ का भाई काफ़ी बढ़िया है। तो भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल ना सब्सक्राइब कर देना। बाकी भाई मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक ले राम राम। और भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल ना सब्सक्राइब कर देना। इसकी कीमत 7.5 लाख रुपए कैसे? बीमा है, फाइनेंस खर्चा है, हाँ जी है, वो अलग से दे रहा हूँ। हाँ जी, वैसे भाई 7.5 लाख रुपए 50 HP के में ज़्यादा ना है, क्योंकि और ट्रैक्टर का मतलब और कंपनी के ट्रैक्टर का इस तरह महंगे महंगे आवे हैं, जो कर कहीं 8 लाख 8.5 लाख उससे आवे हैं, लेकिन और कंपनी से फिर भी यह सस्ता सा है। बाकी भाई केस में लेते हो अपना फायदा रहेगा। बाकी आप अगर ट्रैक्टर लेना चाहते हो भाई, तो आप मैंने एड्रेस भाई ने पहले बता रखा है, बाकी आप विजिट कर सकते हो।